हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीबीआई में रातों रात ईमानदार अफसरों को हटाया जा रहा है, फिर भी आईएएस आईपीएस एसोसिएशन चुप है, क्यों? मोदी सरकार ने जिस तरह से रातों रात सीबीआई में तबादले किए, इस मामले में उन्हें अब सीबीआई अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वही इस मामले पर आप विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। देश के लौह पुरुष की स्टैच्यू बनवाने वाले मोदी ने अपने लौह पुरुष आडवाणी को ही स्टैच्यू बना दिया है। 3,000 करोड़ की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्टील, तांबे और लोह की प्रतीकात्मक मूर्ति खड़ा करने से अच्छा होता लौह पुरुष सरदार पटेल जी की नीति, सिद्धांतों और विचारों पर एक ऐसा संस्थान बनाते जिसमें देश के लोकतंत्र, संविधान, एकता और अखंडता एवं आरएसएस जैसे विघटनकारी संगठनों को लेकर उनके विचारों पर अध्ययन किया जाता। काश मोदी जी ये मूर्ति मेक इन इंडिया के तहत भारतीय कारीगरों से बनवाते। पुण्यतिथि विशेष, इंदिरा गांधी ने अपनी जान के बदले धर्मनिरपेक्षता को चुना था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। वही इंदिरा गांधी जिन्होंने भारतीय राजनीति में आलाकमान जैसे शब्द को काफी प्रभावी बना दिया, इतना प्रभावी कि आज 34 साल बाद जब कांग्रेस सत्ता में तो नहीं है, मगर इसी फॉर्मूले को देश की राजनीति में फॉलो किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में दिवाली पटाखों के साथ ठंड ने भी दस्तक दे दी है। सरदार 26 साल तक गुजरात कांग्रेस के चीफ रहे, लेकिन आरएसएस में 26 दिन नहीं रहे। उनके विचार मोदी से अलग थे। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आज उद्घाटन है। 182 मीटर ऊंची इस प्रतिमा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बताया जा रहा है कि ये अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने लिखा, सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र का समर्पित किया जाएगा। गुजरात के बाद अब दिल्ली से भगाए जा रहे यूपी बिहार वाले, बीजेपी सांसद ने अपने कार्यकर्ताओं को ही पीटा। एक तरफ पीएम मोदी गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति का लोकार्पण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के समर्थकों और पूर्वांचली भाजपा कार्यकर्ताओं संग मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है। दरअसल हर साल सरदार पटेल की जयंती पर दिल्ली में रन फॉर यूनिटी रेस का आयोजन होता है। इसी कार्यक्रम में आज बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर अपने ही पूर्वांचली भाजपा कार्यकर्ताओं संघ की अभद्रता करने का आरोप लगा है। राम से लेकर राफेल तक धोखा ही धोखा, मीडिया खरीद सकते हो लेकिन जनता नहीं, ये जवाब देगी। एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा सुर्खियों में है। सोमवार 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर सुनवाई हुई। 3 मिनट की सुनवाई में मामले को अगले 3 महीने के लिए टाल दिया गया। अब अगली सुनवाई जनवरी में होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि ये मामला अर्जेंट सुनवाई के तहत नहीं सुना जा सकता है, इसलिए इस मामले में फैसले के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। पीएमओ ने सरदार से बड़ी मोदी की तस्वीर पोस्ट की। आरएलडी बोली, जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक पाओगे साहेब। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आज उद्घाटन है। 182 मीटर ऊंची इस प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बताया जा रहा है कि ये अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है। मोदी के वाराणसी में लाचार दिखी योगी की पुलिस, डिस्काउंट न देने पर मॉल में फायरिंग, 2 की मौत।
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की खास नजरों के बावजूद वाराणसी में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगने लगा है। ताजा मामला वाराणसी के DMSP के दफ्तर से कुछ ही दूर स्थित JHV मॉल का है, जहां एक कस्टमर और शोरूम कर्मचारी के बीच इस कदर विवाद बढ़ा कि मॉल फायरिंग हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए हैं। मनमोहन से माफी मांगने के बाद अनुपम खेर ने दिया FTII से इस्तीफा, मोदी भक्ति के बाद मिला था पद। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। खेर ने इसके पीछे की वजह अपनी व्यस्तता बताई है। उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड में फिल्में ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी कई प्रोजेक्ट साइन किए हुए हैं। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा 10 दिनों के अंदर राफेल की सही कीमत बताओ। राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को निर्देश दिए हैं, जिसमें कोर्ट ने कहा कि राफेल डील की जानकारी न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बल्कि याचिकाकर्ताओं को भी दी जाए। कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 10 दिन का वक्त दिया है। कोर्ट की अगली सुनवाई अब अगले महीने 14 नवम्बर को होगी। हार्दिक पटेल ने किया सरदार पटेल को याद, कहा भारत की आजादी के त्रिमूर्ति थे गांधी, नेहरू, पटेल। देश की आजादी के बाद भारत को एक रखने की ताकत देने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। चाहे वो आजादी के बाद छोटी छोटी रियासतों में बटे भारत को एक सूत्र में बांधने की बात हो या फिर सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने की बात जो उन्होंने 1950 में कही थी, हम एक सेक्युलर देश है, यहाँ के हर मुसलमान को महसूस होना चाहिए कि वो भारतीय है और भारतीय होने के नाते उसका बराबर का हक है। अगर हम मुसलमानों को ऐसा महसूस नहीं करा पाते तो हम अपनी विरासत और देश के लायक नहीं है। 182 मीटर ऊंचाई से सरदार को वो गुजरात दिखा होगा जहां दंगा करवाने वाला आज PM बनकर खड़ा है। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। अनावरण के बाद वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। इसके अलावा मिग हेलीकॉप्टरों के द्वारा मूर्ति पर फूल भी बरसाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मूर्ति के पास पहुंचकर यहां पूजा अर्चना की। हाशिमपुरा में दर्जनों मुसलमानों को कत्लेआम करने वालों को मिली सजा, 16 PAC जवानों को उम्र कैद। मेरठ के हाशिमपुरा में 1987 में हुए नरसंहार मामले में फैसला आ चुका है। 30 हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 16 PAC जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 31 साल पहले 1987 में राजीव गांधी सरकार ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया था। इसके बाद पश्चिम यूपी में माहौल खराब हुआ था, जिसके चलते 22 मई को पुलिस, PAC और आर्मी ने हाशिमपुरा मोहल्ले में सर्च अभियान शुरू किया, जिसमें 42 लोगों की जान गई थी। हर बार जमीन की कुर्बानी गरीब ही क्यों दे, अमीरों की कोठियां तोड़कर भी तो मूर्ति स्मारक बनाए जा सकते थे। 31 अक्टूबर 2018 आज सरदार वल्लभ भाई की 134वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से बनी सरदार पटेल की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। 182 मीटर ऊंची इस मूर्ति को बनाने में करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस मूर्ति को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। गुजरात का आदिवासी समाज इस मूर्ति का विरोध कर रहा है। आदिवासियों का कहना है कि वो गुजरात के महान बेटे सरदार पटेल के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा किए जा रहे दमन और शोषण के खिलाफ है। CBI के बाद अब सरकार का निशाना RBI है। मोदी पर देश की संस्थाओं को बर्बाद करने का भूत सवार है। रिजर्व बैंक और मोदी सरकार में तकरार की खबरों ने सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचले पैदा कर दी है। जिस तरह से डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने सरकार पर RBI के कामों में दखल देने की बात कही,
उसे देख लगता है कि अब सीबीआई के बाद आरबीआई भी मोदी सरकार के दबाव में काम करना नहीं चाहती है। केंद्र की मोदी सरकार इस मामले को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।